इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 2.4 2.3 तक कंप्लीट है। देखिएगा प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा वहाँ। देखिए 2.4 का पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। किसका गुणनखंड x प्लस 1 है ये बताना है, ठीक है। तो पिछला एक्सरसाइज में जिस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हुआ था और उससे पिछला यानी 2.2, 2.3, 2.4 सेम टाइप का है ना, सब एक ही प्रकार का है, सब एक ही जैसा बनेगा। देखिए कैसे, तो उसमें भी चेक करना था 2.2 में गुणनखंड है या नहीं है। तो क्या करते थे, x का वैल्यू को रख देते थे इक्वेशन में, अगर 0 आ गया तो लिखते थे गुणनखंड है या शून्यक है, वहाँ पे पूछा था शून्यक है कि नहीं, तो शून्यक है लिखे थे। उसी तरह यहाँ भी करना है, इसको पहले बराबर 0 करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे रख देंगे। अगर इसको सॉल्व करने से 0 होगा तो कहेंगे हाँ ये गुणनखंड है, और नहीं तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका काम है, देखिए एक्स प्लस वन का, तो एक्स प्लस वन को कर देना है बराबर 0, एक्स प्लस वन बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये प्लस है उधर जाके हो गया माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू आ सकता है, x का वैल्यू लाने में कोई परेशानी नहीं। अब x का जो वैल्यू आया उसको यहाँ पे रख देना है, x का मान समीकरण में रखने पर, यानी इसे वाला समीकरण जो है इसमें बस रख देना है इस तरह से एक्स स्क्वायर, ये समीकरण है। देखिए x का पावर 3 क्या बोले हैं, जो भी वैल्यू है बस उसको यहाँ उठा के यहाँ 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 जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ x का वैल्यू को रखते चले। तो पहले x यहाँ है तो माइनस 1, फिर ऊपर में 3 है तो लगा दिए 3, फिर जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे, फिर x तो x मतलब माइनस 1, ऊपर 2 है तो 2 लगाएंगे, फिर प्लस, फिर x तो x के जगह माइनस 1, ठीक है। जब भी वैल्यू को पुट करना है ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे, गलती होने की चांसेस नहीं रहेगी, ठीक है। माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब मतलब क्या, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 तीन बार गुना कीजिए, एक 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 ना होगा, कितनों बार करेंगे गुना एक को, उसके बाद माइनस को गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ तक प्लस हुआ, फिर प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं। फिर देख जोड़ है यहाँ तो लगा देंगे, फिर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 1 नहीं ना होगा, एक एक एक, और माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस ही रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर है एक, फिर लास्ट में है प्लस 1, ठीक। तो देखिए कुछ हार्ड नहीं है, बस जोड़ घटा गुना भाग, बार बार बोलते हैं चारे को रहबे करता है मेन मैथ में, है ना। देखिए कुछ की है, कहीं इक्वेशन से वैल्यू निकालने के लिए क्या बताए थे कि जिसका वैल्यू निकालना है उसको छोड़ के बाकी सबको बस हटाते जाना, बॉर्डर पार करते चलना है। तो यहाँ देखिए एक इधर था उधर पार कर दिए, तो पार होने से, बॉर्डर पार होने से साइन चेंज हो जाता है, माइनस से तो प्लस, प्लस से तो माइनस, इसलिए उधर गया तो माइनस हो गया। अब जो एक्स का वैल्यू आया इसको बस यहाँ रख देना है, देखिए जहाँ जहाँ एक्स दिखे वहाँ वहाँ बस इज्जत से रख देना है ब्रैकेट लगा के। उसके बाद देखिए क्यूब है तो क्यूब करने तो आता है, क्यूब माने तीन बार उसी को गुना करेंगे जिसका क्यूब है, तो तीन बार एक गुना एक गुना एक ऐसा करेंगे तो एक 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 होगा, माइनस माइनस प्लस, अरे बोलो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया एक, यहाँ माइनस एक का स्क्वायर एक एक एक, अरे प्लस, इसलिए प्लस, माइनस माइनस भी प्लस, तो प्लस हो गया प्लस प्लस प्लस, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस वन है तो वन। उसके बाद क्या है, जोड़ घाटा फिर से देख, भलिए दोनों में देखिए माइनस प्लस माइनस माने घाटा हो, एक में एक घाटा ये तो कुछ होने बचेगा, खत्म कहानी इसका। अब यहाँ आ जाइए माइनस प्लस माइनस, फिर से एक में एक फिर घटाना है तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो गया आंसर, ठीक। तो खैर जीरो आंसर तो नहीं लिखना है, क्या बोला, गुणनखंड है या नहीं है, किसका गुणनखंड है, कौन कौन जो है बहुपद उसका गुणनखंड है वो पूछा है, तो इसमें जीरो आ गया मतलब गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन कहाँ है, सेकेंड क्वेश्चन है,
एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, देखिए फिर से हमको वही काम करना है। तो देखिए सबके लिए यही इसी को पूछा है गुणनखंड है कि नहीं, मतलब सब में इसी का वैल्यू को रखेंगे। तो इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एक्स बराबर माइनस 1, तो इसी को यहाँ भी लिखना है। तो बार बार नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट एक्स से माइनस 1 लिख के बता दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो ये कर लीजिएगा, जितना आएगा फिर उसको रख देंगे। तो यहाँ पे तो कर चुके हैं तो इसी को अब डायरेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना आया था, माइनस 1, या कितना लंबा है एक बार कर सकते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 प्लस उधर जाएगा माइनस, तो x का वैल्यू आ गया माइनस 1। अब इस माइनस 1 को यहाँ पर रख देना है, x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे। अब देखिए x में फिर से माइनस 1 ही रखना है ना, क्योंकि इक्वेशन तो वही वाला भर है, x प्लस 1 ही को चेक करना है सब में, है ना, जितना क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए फिर माइनस 1 रखेंगे एक्स में, तो माइनस 1 ऊपर 4, फिर प्लस एक्स, माइनस 1 ऊपर 3, प्लस एक्स फिर, तो फिर माइनस 1 ऊपर 2, प्लस एक्स, एक्स माने माइनस 1, फिर प्लस 1। ठीक, देखिए माइनस 1 का 4 है, पावर 4 माने 4 बार माइनस 1 है, तो एक 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 ना होगा, बस माइनस वा को ध्यान रखना, माइनस 4 बार है तो क्या हो जाएगा, देखिए दो गुना हो गया माइनस माइनस प्लस, फिर दो गुना माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस का होगा, प्लस से होगा, तो प्लस को नहीं लिखते, छोड़िए नहीं लिखेंगे, है आगे बढ़ते हैं। प्लस देखिए माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब माने वही माइनस 1 माइनस 1 3 बार आ रही है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1 आया, तो एगो प्लस है एगो माइनस है, ब्रैकेट में ही रखेंगे, है ना, क्योंकि प्लस माइनस बिना ब्रैकेट का एक ही जगह प्लस माइनस ठीक नहीं लगेगा, तो ब्रैकेट में भी लिखते हैं। फिर आगे बढ़े प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो प्लस 1 होता है, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 और लास्ट में है प्लस 1। देखिए पहले ये ब्रैकेट वहाँ डालिए, 1 प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है, उसके बाद जोड़ घटाव करते चलिए, इधर कोई दिक्कत नहीं, एक में एक घटाव दिख रहा है, एक में एक घटाव माने कटाव, खत्म कहानी उसका, जीरो हो गया, बचल ई वाला, तो इसको लिख देंगे। देखिए एक में एक फिर घटाइए तो जीरो हो गया, मतलब खत्म, ये बच गया एक, हैं एक बच गया। अब एक बच गया माने जीरो तो नहीं ना आया, तो जीरो नहीं आया तो क्या लिखेंगे, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, जीरो आता तो लिखते गुणनखंड है, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक, समझ मारा हो तो लाइक कमेंट करिएगा, नए हो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा मैथ साइंस यहाँ पे आपको 6 to 10 मिल जाएगा, किसी प्रकार का कहीं पे कोई कोचिंग पैसा देकर कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सब मिल जाएगा, ठीक है, यहीं पे साइंस मैथ, यही दो चीज़ का तो कोचिंग ही करते हैं ना मेन, तो साइंस मैथ पूरा मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करिएगा, और अपने आसपास जितना भी अपने सर्कल में हो स्टूडेंट सभी को भेजने की कोशिश करिएगा, सभी को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि सब घर बैठे अपना एजुकेशन अपना पढ़ाई जारी रख सके, बिना किसी कॉस्ट का, बिना किसी प्राइस का, बिना किसी पैसे की बर्बादी का, और न समय बर्बादी, कोचिंग जाने आने में आधा घंटा एक घंटा बर्बादी, पैसा बर्बादी, सब कुछ आपका सेफ हो जाएगा, पढ़ाई भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई कोचिंग वाला पढ़ाता होगा इतना डिटेल से, इतना अच्छा समझा के, है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा स्टूडेंट का भी बढ़ाने की कोशिश करिए, ताकि हम और अच्छा से आपको पढ़ा सके। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाँ तीसरा है, x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देख फिर तो वही रखना है, एक्स जगह माइनस 1, ठीक है, क्योंकि बनाना इसी से है, एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर प्लस उधर जाके माइनस, ये वाला स्टेप हर जगह होगा क्योंकि इसी को चेक करना है हमको, है ना। तो चलिए एक्स में माइनस 1 रखिए, एक्स का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पूरा डिटेल से एकदम बता रहे हैं, ठीक है, एक भी स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं। जब आपका पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप एक आध स्टेप छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट भी जोड़ घटाव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसको एक बार बढ़ाई कर रहने दिए, तो आप चाहे तो अगर डायरेक्ट समझ में आएगा प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्ट यहीं पे माइनस लगा सकते हैं, है ना, और ये स्टेप करके एक ही बार में कितना आया उसको लिख सकते हैं, 1 आया कि 2 आया, ठीक है, एक ही बार जोड़ सकते हैं पूरा को, तो ये आपके ऊपर है, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, उसके बाद आप 2 लाइन में बनाइए कि 3 लाइन में कि 4 लाइन में, मैथ में कोई ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम उसका 10 लाइन में बनाओ कि 20 लाइन में, है ना, हिंदी इंग्लिश या कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है कि उसके बारे में पूरा विस्तार से, बस जो चीज़ है उतना ही कर सकते हैं, कितना इसको विस्तार करिएगा, है ना।
तो हिंदी लिखना तो नहीं है कि विस्तार होगा, तो जितना शॉर्ट हो सके शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम एकदम पूरा जितना स्टेप हो सकता है कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए एक्स में फिर से माइनस वन रखना है, माइनस वन ऊपरे चार, फिर प्लस तीन, माइनस वन यहाँ एक्स में ऊपरे तीन, फिर देखिए प्लस तीन है तो लिखेंगे एक्स में बदलना है माइनस वन ऊपरे दो, फिर प्लस एक्स तो माइनस वन फिर वन, क्या कर रहे हैं बस उतार रहे हैं, यहाँ वाला को यहाँ उतार देना, इतना आसान मैथ से आसान कोनो है ही नहीं। ठीक है, कुछ काम कर रहे, देखिए तो उतार दे रहे, खाली एक्स जगह में उतार दे रहे, अब वही जोड़ घटाव गुना करेंगे, हैं स्क्वायर है क्यूब है मैंने कहा गुना ना है, गुना करेंगे एक का पावर चार, तो एक को चार बार एक गुना एक तो एक ही होगा, और माइनस को भी चार बार तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे देखे थे, अब देखिए प्लस तीन है तो पहले तीन को रन दीजिए, पहले इसका क्यूब कीजिए, माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही होता है ना, बार बार कर रहे हैं माइनस वन का क्यूब, देखिए माइनस वन यहाँ भी, ठीक है हो गया, माइनस प्लस तीन है पहले, फिर लिखिए फिर एक का स्क्वायर, माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक हो गया, फिर देख प्लस माइनस माइनस एक, फिर लास्ट में प्लस वन। देख पहले ब्रैकेट जो दिख रहा है थोड़ा अजीब टाइप का, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको अभी छोड़ दीजिए सबको, वन प्लस यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस गुना कर, देखिए जिसको जिसको गुना कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं उसका उसका साइन देखना है, तो तीन और एक को गुना करना, ब्रैकेट माने गुना, तो तीन और एक को गुना करें, तीन का तीन हुआ, इसका साइन देखिए प्लस इसका माइनस, इसलिए प्लस माइनस माइनस। आगे बढ़ते हैं तो प्लस और यहाँ पे प्लस है, कोनो नहीं तो प्लस है, तीन का तीन, और इधर तो ठीक है, देखिए इधर तो घट घटा सकते, देखिए माइनस एक प्लस एक, माइनस एक प्लस एक मतलब क्या हो गया जीरो हो गया, यह ना माइनस में एक में माइनस एक मैंने जीरो हो गया, उधर का काम खत्म। अब यहाँ देखिए तीन माइनस में है एगो प्लस में, एक माइनस में एगो प्लस में, मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, इसको काट सकते हैं, बच गया एक, तो एक बच गया मतलब क्या है गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, है ना, एक बच गया मतलब गुणनखंड नहीं है, शून्य आता तो लिखते गुणनखंड है, कोई परेशानी नहीं। तीन क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले लीजिएगा, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें रूट है ना, रूट वा देख बहुत जो डराता है, क्लास में पढ़ाते हैं ना तो सर रूट में, रूट में रह जाए कहीं पे पॉइंट आ जाए कहीं पे डिवाइड बट्टा में आ जाए तो सर रूट में है बट्टा में है पॉइंट में है कौन में रहे उससे क्या मतलब है, तुमको जो काम करना है वो करना, क्या करना है बस उसको उठा के यहाँ रख देना है, और रखने के बाद वही जोड़ घटा गुना, तो शुरू में देख रहा जाता है, यही गलती होता है, देखिए वही काम है करना बस इसको, ये सब एक में कर रहे हैं इतना सा, इसके बाद इसको उठा के यहाँ रख देना है, तो रखने में रूट रहे कि कुछ कौन रहे उठा के बस रखना है। एक्स का मतलब माइनस वन है, तो एक्स जहाँ जहाँ दिखे माइनस वन रखिए, अपने सॉल्व होते जाएगा है ना, देखिए कि डरा जाइएगा तो फिर कोनो काम नहीं जाएगा। आगे बढ़िए ना, जितना हो सकता है जितना जान रहे उतना तक जाइए, क्या एक्स माइनस वन आता है इसको रखना रहता है इतना तो पता है, तो इसको रखिए ना उसके बाद अपने आप दिखेगा वहाँ पे कि क्या होगा, लेकिन शुरू में डरा जाइएगा क्वेश्चन में देखे तो फिर कहाँ से कुछ होगा, है ना, तो बस जितना दूर दिख रहा है उतना दूर चलिए, आगे का रास्ता वहाँ से दिखने लगेगा। ठीक, एक्स में माइनस वन रखना, ऊपर में है तीन तो तीन लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, एक्स है तो फिर एक्स में माइनस वन रखना है, ब्रैकेट में हमेशा बोले ब्रैकेट गड़बड़ कीजिएगा, ब्रैकेट छोड़िएगा तो गड़बड़ आ जाएगा, है ना, ब्रैकेट में ही रखना है जब भी ये सब पुट करने वाला है वैल्यू रखने वाला है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये पूरा इसमें तो एक्स नजर नहीं आ रहा है, उतर जाएगा पूरा, जहाँ एक्स वहाँ काम होगा वहाँ पर रखना है, दिख रहा है एक्स यहाँ तो माइनस वन ब्रैकेट में बोले रखने ब्रैकेट में रखना है, फिर यहाँ प्लस रूट टू, यहाँ तो कुछ एक्स उक्स नहीं है छोड़ दीजिए, अब करिए काम, स्क्वायर करने आता है क्यूब करने आता है, हैं देखिए एक का क्यूब है एक तभी से एक का क्यूब कर रहे हैं, माइनस एक आ रहा है, माइनस एक का क्यूब करने से माइनस एक का स्क्वायर भी तभी से कर रहे हैं, प्लस एक आता है बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस एक। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देख यहाँ पे ये रूठवा देख कट रहा है, तो ये दो में दो प्लस है तो जोड़ नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते, क्या एगो रूट में एगो बिना रूट का है तो ऐसा वाला को नहीं जोड़ सकते हैं, बेसिक वीडियो बताए थे उस समय बताए थे सबको, है ना, तो जोड़ नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं, तो गुना उना होगा तो गुना करेंगे, तो देखिए ब्रैकेट यहाँ एगो ये वाला ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या ब्रैकेट माने गुना होता है, और जब भी ब्रैकेट में दो गो संख्या ऐसा रहता है जैसे एक्स प्लस टू या इधर टू लिखल है, तो ये वाला जो है ब्रैकेट का बाहर वाला ये दियो से गुना होता है, ये लोग पढ़ाए थे
नाइन्थ क्लास में ही लगता है, 1.5 में भी पढ़े थे, रूट में था उसमें, रूट फाइव प्लस थ्री और इधर गुना उना था, तो इसको दोनों से गुना करते थे। तो वैसे ही देखिए माइनस एक है और ये दो ब्रैकेट के अंदर है, तो दोनों से माइनस एक गुना होगा। तो पहले देखिए गुना करते हैं, ये माइनस बारह है, माइनस लगा दिए, पहले माइनस एक को अंदर करें, तो माइनस एक और दो गुना करेंगे तो दो एका दो, दो एका दो, और ये माइनस में है तो माइनस दो। फिर देखिए प्लस माइनस, माइनस रूट टू को एक से गुना करें तो रूट दो एका भी रूट दो ये होगा, रूट माने एक को कितने से गुना करें, किसी से गुना करें तो उतने रहता है, तीन से गुना करें तो तीन ही होगा, चार से गुना करें चार ही होगा, तो रूट दो से गुना करें तो कोनो दूसर थोड़ी होगा, रूट दो ही रहेगा, खाली साइन हुआ चेंज हो गया, ये माइनस था यहाँ प्लस तो माइनस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये खत्म हो गया इसका काम। अब बचल कौन, ये बचल है तो इसको उतार देंगे, जो बच गया उसको उतारते चलिए, जहाँ काम हुआ उसको काम कर दीजिए। अब क्या काम कर सकते हैं, ये देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटा देंगे आप डायरेक्ट, है ना, ब्रैकेट हटा सकते हैं तो हटाइए। यहाँ पे भी काम कर सकते, देखिए माइनस माइनस दिख रहा है तो माइनस माइनस प्लस होता है, और एक जोड़ेंगे तो दो ही हो जाएगा, लेकिन दियो माइनस तो यहाँ पे तो माइनस लगेगा। ठीक, अब आगे देखिए ये ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट में हटाएंगे तो देखिए एगो बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर है एगो माइनस है, यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है जो कि दरवाजा बंद पा रहा है, तो दरवाजा को खोल देंगे तो ये घुस जाएगा माइनस वा, तो ये माइनस वा यहाँ घुसेगा तो माइनस माइनस, पहले से एगो माइनस था एगो ई माइनस, तो माइनस माइनस मिलता है तो प्लस दो हो गया, फिर माइनस अंदर जाएगा इसके पास तो एक ठो इसके पास भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस फिर हो गया प्लस, ये हो गया रूट टू, और ये लास्ट में है रूट टू। ठीक, ब्रैकेट हटाना है मतलब बाहर का साइन को अंदर कर देना है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब जोड़ काटा, फिर देखिए माइनस दो में दो दिख रहा है घटने जैसा, खत्म कहानी इसका। अब देखिए रूट टू दोनों जोड़ में है तो एगो रूट दो एगो रूट दो, का एगो रूट दो हो गया दो गो रूट दो है, हो गया आंसर है, लेकिन आंसर थोड़ी लिखना है, कहा लिखना गुणनखंड है कि नहीं, तो गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, काहे नहीं है, कहा कि इतना आगे जीरो नहीं आए तो काहे को गुणनखंड, जीरो आता है तो गुणनखंड है, जीरो नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। आया बात समझ में, आई गया, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पहला में इतना चार क्वेश्चन था पहला में, ठीक है सेकंड में आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो मतलब फिर से वही क्वेश्चन, इससे पहले भी कहा था गुणनखंड है या नहीं है, किसका गुणनखंड है या नहीं है, तो ऊपर में लिख दिया था x प्लस वन, इसका गुणनखंड है कि नहीं ये बताकर पता करना था, तो इसको बस कर देते थे x प्लस वन बराबर जीरो, एक्स का वैल्यू निकल गया माइनस। अब माइनस वन सब में रख के देखे, जीरो आया था तो लिखे थे गुणनखंड है, नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, तो इसी तरह इसमें भी चेक करना है, लेकिन इसमें कोई एक चीज पर नहीं चेक करना है, एक वैल्यू पर चेक नहीं करना है, इसमें अलग अलग वैल्यू सब में दिया हुआ है। ठीक है, पी एक्स को जी एक्स से चेक करना है, ई वाला चेक करना है। ठीक है, ये पी एक्स का वैल्यू देखिए, पी एक्स बराबर टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, यहाँ तक पी एक्स हो गया, और ये जी एक्स, तो ई वाला को चेक करना है, मान इसको उठा के यहाँ रख देना है, अगर ये जीरो हुआ तो कहेंगे गुणनखंड है, पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है, और नहीं तो नहीं है। ठीक, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, अगर जीरो नहीं आया तो, और जीरो आया तो फिर हाँ गुणनखंड है, तो किसको चेक करना है, इसको इसको, तो पहले इसको जीरो कर देंगे, जी एक्स बराबर जीरो, तो जी एक्स कितना है एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया प्लस वाला उन्हें जाके माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब जिसमें रख देना पी एक्स बराबर टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन रखना है वैल्यू, देखिए पी एक्स, एक्स का वैल्यू आए माइनस वन, माइनस वन रख दिए पी एक्स की जगह में, एक्स जगह माइनस वन बराबर देखिए टू है तो टू लिखेंगे, बस एक्स में बदलना है ना, बाकी सब तो उतरते चलेगा, टू उतर गया, एक्स दिख रहा है तो एक्स में माइनस वन ऊपर तीन, फिर प्लस एक्स दिख रहा है एक्स में माइनस वन ऊपर दो माइनस टू, एक्स दिख रहा है एक्स माइनस वन लास्ट में। ठीक, आगे देखिए स्क्वायर पहले करिए, स्क्वायर या क्यूब जो भी है, पावर पावर पहले हटाएंगे तब गुना होना होगा है, तो ये दूर रह जाएगा, माइनस एक का क्यूब तखने से कर रहे हैं माइनस एक आ रहा है तो और दूसर थोड़ी आएगा उतने आएगा, प्लस है प्लस लिखेंगे, माइनस एक का स्क्वायर भी तभी से कर रहे थे तो एक आ रहा था है ना प्लस एक, अब ये माइनस माइनस
प्लस दू एक दो लास्ट में माइनस एक। अब यहाँ पर थोड़ा अजीब ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट मैंने गुना, तो यहाँ गुना करके पहले तब उसे उधर देखेंगे, पल ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस दो एक दो हो गया। अब देखिए ई वाला जोड़ा दिख रहा है, इसको जोड़ नहीं सकते, एक और दो जोड़ दिख रहा है तो जोड़ दोनों में तो जोड़ने लगेगा, दो और एक तीन हो गया। लास्ट वाला कुछ नहीं किए तो उतार दीजिए, जिसका काम नहीं हुआ उसको उतार दीजिए, जिसका काम हुआ उसका तो हो ही गया काम है, तमाम में हो गया। अब देखिए माइनस दो प्लस तीन, माइनस दो प्लस तीन मान तीन में दो घटाएंगे तो एक ना बचेगा, बड़ में प्लस इसलिए प्लस एक, और लास्ट में वो माइनस है एक तो माइनस एक, एक में घटाएंगे जीरो, जीरो आ गया मतलब क्या लिख देंगे जी एक्स पी एक्स का शून्यक गुणनखंड है, गुणनखंड है पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड है। अगर जीरो नहीं आएगा तो लिखेंगे पी एक्स जी एक्स का, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और जी एक्स बराबर है एक्स प्लस टू। देखिए फिर से वही का वही ना करेंगे, जी एक्स हमको चेक करना है जी एक्स गुणनखंड है कि नहीं, तो जी एक्स को जीरो करके वैल्यू निकालेंगे पहले वहाँ एक्स का, अब एक्स का वैल्यू को यहाँ रख देंगे ठीक, तो जी एक्स बराबर जीरो, जी एक्स कितना देखिए एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू बराबर जीरो, प्लस टू उन्हें जाके माइनस आया एक्स का वैल्यू। अब इसको रख देंगे पी एक्स में, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, थोड़ा सा रफ्तार अब बढ़ा रहे हैं, कह एक एक चीज़ है 2.2 से पढ़ते आ रहे हैं सब रखने वाला, ठीक है रखने वाला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्पीड से रख दे रहे हैं। देखिए एक्स में माइनस टू, फिर बराबर एक्स का ऊपर तीन मान एक्स का वैल्यू माइनस टू, फिर ऊपर तीन प्लस तीन एक्स, एक्स मतलब माइनस टू, ऊपर भी टू है प्लस तीन, फिर एक्स, एक्स मतलब माइनस टू प्लस लास्ट में वन। अब फिर वही गुना गुना करके दो का क्यूब, दो का क्यूब मतलब माइनस दो गुना माइनस दो गुना माइनस दो तीन बार, तो दो दूनी चार दूनी आठ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस आठ आया। देखिए प्लस तीन पहले लिख देंगे, पहले स्क्वायर करिए उसके बाद माइनस दो का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस दो का स्क्वायर, दो दूनी चार, फिर देख प्लस माइनस माइनस तीन दूनी छः, लास्ट में है एक, ये एक जैसा दिख रहा है ना। हाँ देख फिर से देखिए एक ब्रैकेट दिख रहा है, पहले ब्रैकेट वाला काम करिए, जो थोड़ा अजीब दिखेगा ना उसी को पहले काम करिए, जोड़ घटाव तो हो ही जाएगा, इसको छोड़ दीजिए अभी, प्लस माइन प्लस 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 तीन चौके बारह। अब यहाँ पर जोड़िए देखिए घटाइए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माने घटाओ, छः में एगो घटाएंगे पाँच को बचेगा, लेकिन बड़ा काम माइनस इसलिए माइनस लगाएंगे, जब भी जोड़ घटाव करते हैं बड़ा में जो साइन रहेगा वो साइन लगता है ठीक है, उसे पते हो गए इतना सा। आगे बढ़ते फिर जोड़ घटाओ, देख यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़ में प्लस दिख रहा है इसलिए प्लस लगेगा, तो शुरू में प्लस लगाने का कोई जरूरत नहीं, कोनो नहीं लिखेंगे मतलब प्लस समझ में आता है, तो चलिए प्लस में आएगा कितना आएगा चौबीस, बार घटाइए आठ उन्नीस सोलह आठ चौबीस मतलब सोलह आएगा सोलह, फिर आठ माइनस पाँच सोलह में पाँच घटाओगे तो ग्यारह, देखिए शून्य नहीं आया इसलिए जी एक्स, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा अगर और डिटेल से लिखना चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं, चूँकि पी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इसीलिए जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है ठीक है, गुणनखंड नहीं है, जीरो नहीं आया माने गुणनखंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए इसको देखिए जी एक्स, जी एक्स का काम पहले है जी एक्स को जीरो करना, जीरो कर दिए, जी एक्स है एक्स प्लस प्लस नहीं माइनस बराबर जीरो, हमको एक्स का वैल्यू चाहिए तो एक्स को छोड़ के बाकी सब हटा देंगे, तो बाकी क्या है माइनस तीन खाली है तो उधर जाके प्लस ठीक। अब इसको रखेंगे पी एक्स में, तो पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस छः, रखेंगे एक्स का वैल्यू पी एक्स, एक्स माने तीन बराबर एक्स दिख रहा है, फिर एक्स माने तीन ऊपर भी तीन माइनस फोर एक्स, एक्स माने तीन ऊपर में दो प्लस एक्स, एक्स माने तीन प्लस छः, फिर स्क्वायर क्यूब करें तीन का क्यूब, तीन तिया नौ तिया सताईस, तीन का क्यूब मानी है ना तीन गुना तीन तो कितना हो गया तीन तिया नौ तिया तीन तिया नौ और नौ तिया सत्ताईस ठीक है, तिया आ गया सत्ताईस।
यहाँ देख माइनस को रहने देते हैं माइनस चार को, बाकी इसका पहले गुणा करिए स्क्वायर, तीन का स्क्वायर तीन दिया नौ, फिर प्लस प्लस यहाँ देखिए आराम से दिख रहा है तीन और छः जोड़ में, तो इसको जोड़ दीजिए तीन छः नौ है, फिर पहले इसको गुणा करिए, अभी रहने दीजिए सत्ताईस माइनस नौ चौके छत्तीस प्लस नौ, सत्ताईस में छत्तीस घटाना है नहीं घटेगा इससे घटाइए, छत्तीस में सत्ताईस कितना हो जाएगा नौ, नौ लेकिन बड़ में माइनस इसलिए माइनस नौ, और लास्ट में प्लस नौ, माइनस प्लस माइनस माने नौ में नौ घटाएंगे जीरो, देखिए जीरो आ गया मतलब क्या लिखेंगे जी एक्स पी एक्स का गुणन खंड है, जीरो आ गया इसलिए गुणन खंड है, मतलब एक के गुणन खंड है बाकी कोई गुणन खंड नहीं आया था इसका, ठीक है। तो हमको लगता है तीन एगो इसमें है क्वेश्चन, हाँ तीन एगो है, ठीक है। अच्छा के का वैल्यू फाइंड करने का भी है, चलिए इतना ही देखते हैं इसमें, ठीक है। दो एक क्वेश्चन देखिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, अभी अभी तो नया सेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है और इतना कर दे, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करना दो तीन महीना में पूरा लपेट देंगे, ठीक है। साइंस भी दो चैप्टर हुआ है, अगला चैप्टर नहीं दे पा रहे, इसलिए नहीं दे पा रहे कि सोच रहे हैं कि पहले पहला दूसरा का क्वेश्चन आंसर दे देंगे, क्या करें, बहुत कोई कमेंट करता है क्वेश्चन आंसर भी बता दीजिए, ऐसे पूरा डिटेल से समझा ही देते हैं चैप्टर पूरा, उसमें जितना क्वेश्चन रहता है सब आ जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है क्रियाकलाप वाला जो कि बोलते हैं कि सर क्वेश्चन भी बता दीजिए, उस सब में थोड़ा सा परेशानी होता है, तो वही सोच रहे हैं कि पहले वो दोनों का क्वेश्चन आंसर एक ठो बढ़िया से पीडीएफ बना के और उसको समझा दे और डाल दे, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करें, इसलिए थोड़ा सा रुके हुए हैं, तो उसका जैसे क्वेश्चन आंसर तैयार होता है तो वीडियो दे देंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर के, ठीक है। इसमें दो ही क्वेश्चन भी पता है, तीसरा क्वेश्चन भी इसी जैसा है थोड़ा सा, उसके बाद चौथा पाँचवा थोड़ा थोड़ा हार्ड आएगा, है ना, अभी तक तो खेल रहे थे खाली, तीसरा भी खेलना ही जैसा है, चौथा में थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, पाँचवा में थोड़ा सा और ही घूम जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा दिमाग को खाली रखिएगा, है ना, वो सब थोड़ा डेंजर क्वेश्चन है, ये सब आसान आसान क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद खास करके चौथा और पाँचवा उसके लिए तैयार रहिएगा एकदम दिमाग खाली करके, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तीसरा क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड हो। देखिए पी एक्स का गुणनखंड है, मैंने पहले है बोल दिया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था गुणनखंड है कि नहीं चेक करना था, तो पी एक्स बराबर अगर जीरो आ जाता था बनाने के बाद तो कहते थे गुणनखंड है, नहीं आता था तो गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पर पहले कह दिया है कि एक्स माइनस वन जो है एक्स माइनस वन ये गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है अभी क्वेश्चन लिखेंगे, तो एक्स माइनस वन गुणनखंड है, तो इसके लिए क्या करेंगे बराबर जीरो करते थे इसका वैल्यू निकालते थे, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा एक, अब एक्स का वैल्यू वन रखें तो वन रखेंगे किसी चीज में जीरो आ गया तो गुणनखंड है होता था, लेकिन अब पहले ही कह दिया गुणनखंड है, मतलब क्या समझ में आ रहा है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, पहले ही कह दिया गुणनखंड है मतलब जाहिर सी बात है पी एक्स बराबर जीरो ही होगा, तबे ना कहा गुणनखंड है ना, तो पी एक्स बराबर जीरो होगा, है ना, तो पी एक्स बराबर जीरो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पहले तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो इसमें एक्स जो है एक्स का वैल्यू अगर रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ये बराबर जीरो यानी जीरो के बराबर आएगा, क्यों जीरो के बराबर आएगा क्योंकि ये पहले कह दिया गुणनखंड है, और गुणनखंड तबे होता है जब पी एक्स का वैल्यू जीरो आए, मतलब पी एक्स बराबर जीरो घुमा फिरा के ये हमको दे दिया है ना, और रखना क्या है तो ये तो रखते ही उसको एक्स माइनस वन जो कह दिया है जो गुणनखंड है तो एक्स माइनस वन गुणनखंड है तो इसको करेंगे जीरो पहले तो एक्स का वैल्यू आएगा वन, अभी वन को बस रखते चलना, देखिए पी एक्स में वन बराबर फिर से एक्स वन स्क्वायर है पूरे, फिर प्लस एक्स वन फिर प्लस के, ठीक, एक का स्क्वायर एक प्लस ये तो एक प्लस ये के, एक एक जोड़ दिख रहा है तो दो प्लस के, अब दो और के को जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि दो अलग चीज़ है के अलग चीज़ है, के ए बी सी डी वाली गिनती नहीं जोड़ सकते हैं, है ना, अलग अलग रहे यानी अनलाइक टर्म को नहीं जोड़ सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं अब
हमको तो के का वैल्यू निकालना था। अब जब भी किसी का वैल्यू निकालना रहता है तो क्या करते हैं, उसके साथ जितना नंबर है वो सब को उधर फेंक देते हैं। किधर फेंकते हैं, बॉर्डर के पार, बॉर्डर के ऊपर कर देते हैं, तो हमको वैल्यू उसका मिल जाता है। जैसे इसमें एक्स का वैल्यू निकालना था तो माइनस को ओने कर दिए तो एक्स का वैल्यू निकल गया। अब इसमें भी करेंगे तो उधर कुछ रहेगा तब ना फेंकेंगे, है बराबर रहना चाहिए, बॉर्डर रहना चाहिए ना, तो बॉर्डर लगा देंगे, क्या कर देंगे बराबर जीरो। क्यों जीरो करेंगे, क्योंकि पहले कह दिया गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है, क्योंकि x माइनस वन जो है पी एक्स का गुणनखंड है, इसीलिए पी एक्स बराबर हो जाएगा जीरो, है ना। पी एक्स का वैल्यू कितना आया, ये पी एक्स वाला को सोल्व किया ना, तो आया टू प्लस के, तो टू प्लस के बराबर जीरो। हमको के का वैल्यू निकालना, तो के छोड़िए बाकी को हटाइए, तो टू उधर जाके माइनस टू हो गया आंसर। कोई परेशानी नहीं, हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम इसी की जैसा, पी एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। देखिए फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू पहले रखेंगे, तो वैल्यू तो उसी का एक्स माइनस वन यही वाला रखेगा, सब में यही रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हुआ तो सबका लिए वही है, सबके लिए वही है ना। तो एक्स माइनस वन किए तो कितना है, एक्स बराबर वन, तो वन रखे। देखिए फिर से वन रखे, वन बराबर टू, फिर एक्स तो वन ऊपर दो प्लस के एक्स मतलब वन प्लस टू। रखने वाला बहुत सारा क्वेश्चन कर दिए, इसलिए अब थोड़ा स्पीड कर दे रहे हैं, है ना। अब सॉल्व करके एक का स्क्वायर एक होगा और दो को एक से गुना करें दो प्लस के, और एक गुना करें के का के प्लस रूट टू। देखिए फिर अलग अलग आ गया, दो के रूट दो, सब अलग है नहीं जुट सकता, कहिएगा ये के दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देखिए ये दो है, ये रूट में दो है, अलग अलग है, ठीक है, तो नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा मतलब फिर से वही लिखेंगे, चूंकि एक्स माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है, लिख लीजिएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर जीरो। तो पी एक्स कितना है, टू प्लस के प्लस रूट टू बराबर जीरो। हमको चाहिए के का मान, के को छोड़ के बाकी सब को बॉर्डर पार। देखिए दो ने जाके माइनस हो जाएगा प्लस में, ई भी प्लस में उधर जाएगा माइनस, माइनस दोनों में है तो इसको थोड़ा कॉमन निकाल देंगे, बाहर कर देंगे तो भीतर बच जाएगा प्लस, तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो अच्छा देखने के लिए खाली यहाँ आंसर लिखिए, नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। के का वैल्यू निकल रहा है एकदम फटाफट। अब देखते देखते और दो क्वेश्चन, चलिए देखिए फिर से एक्स बराबर तो वन ही रखना है ना, क्या क्वेश्चन तो सबका है, तो एक्स में वन रखिए, वन बराबर के एक्स वन ऊपर दो माइनस रूट टू एक्स, एक्स माने वन प्लस वन। फिर थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक का स्क्वायर एक, और के को एक से गुणा करेंगे तो के ही ना रहेगा, वन से यानी एक से कतनु बड़का संख्या को गुना करते हैं तो उतना ही रहता है, पाँच को गुना करते हैं एक से पाँच ही रहता है, छः को गुना करते हैं एक से छः ही रहता है, एक हज़ार को भी गुना करेंगे एक से एक हज़ार का एक हज़ार होगा, तो के को गुना करेंगे एक से तो कहीं ना रहेगा, और कहाँ हो सकता है, ये बदल थोड़ी जाएगा, के ही रहेगा, है ना। के आगे बढ़े, रूट टू को एक से गुना करें तो ये भी रूट टू ही रहेगा, एक से गुना कर रहे तो प्लस वन। देखिए फिर से अलग अलग आ गया, नहीं जोड़ सकते, जबरदस्ती यही सबको भी जोड़ डाल देता है, इसीलिए गलती हो जाती है। इसको कैसे जोड़ते रहेंगे, एकदम इसे दो और एक तीन के ऐसा लिख देता है तो थोड़ा लगाइएगा दिमाग, है ना, अंदाजी नहीं करना, नहीं जोड़ सकते, अलग अलग है, तो वही लिखेंगे फिर से, चूँकि एक्स माइनस वन ना माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए पी एक्स बराबर हो जाएगा जीरो। तो पी एक्स कितना आया, के माइनस टू प्लस वन बराबर जीरो। हमको के निकालना, के छोड़ बाकी सबको बॉर्डर पार, माइनस उधर जाकर प्लस, इम प्लस उधर जाकर माइनस, तो रूट टू माइनस वन आंसर, ठीक। आते हैं इसमें, देखिए पी एक्स बराबर इतना है, फिर से एक्स में तो वन ही रखना है, पी वन बराबर के वन स्क्वायर माइनस तीन वन प्लस के, दो गो के, तो दो गो रहेगी चौदह गो रहे, काम वही करना है, जोड़ घटा गुना, और कोनो नहीं, देख के डरना नहीं, दो गो के देख के ना, के का के ही होगा यहाँ, तीन का तीन होगा प्लस के। देखिए एक दो, दो गो के दिख रहा है, दो गो के, तो के और के जुटा तो दो गो के, अरे माइनस तीन, अलग के अलग है, एगो के में है एगो बिना के का, नहीं जुटेगा। तो फिर से वही काम करेंगे, चूंकि एक्स माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है, लिख लीजिएगा, इसीलिए पी एक्स बराबर जीरो। पी एक्स कितना है, टू के माइनस तीन बराबर जीरो।
टू के पहले बोले थे जो चिपकल रहे माने एकदम चिपकल एकदम करीब उसको नहीं हटा सकते हैं, पहले दूर बोला तो ये दूर बोला हटाइए, ये दूर तो नहीं था वो हट गया, माइनस था प्लस चलिए, अब इसको हटाएंगे तो के गुना है तो इन्हें नीचे आ जाएगा भाग में, के बराबर 3/2 आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन बच गया तीसरा था ये चौथा, चौथा और पांचवा दो क्वेश्चन है अभी तक, तो गुणनखंड है गुणनखंड नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, खाली वैल्यू रखना था, उठा के वहां से वैल्यू निकाल के दूसरा में रख देना था, पता चल जाता था गुणनखंड है कि नहीं है। लेकिन अबर जो क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात करना है, दो क्वेश्चन है, एगो चौथा एगो पांचवा, चौथा में चार गो क्वेश्चन है और पांचवा में कई गो है, चार पांच गो उसमें भी होगा, बड़ा डेंजर क्वेश्चन है ना, आसान है लेकिन थोड़ा सा ई सब से अब हट के, माने इसमें इतना आसानी से इसमें रख देते थे गुना उना कर देते तो हो जाता था, थोड़ा सा इसमें इससे हट के है, इससे आगे का है, तो उसको देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना को कंप्लीट कर लीजिए, ये सब एकदम एक ही था, 2.2 से अभी तक जितना बना है वो लगभग लगभग सेम क्वेश्चन था, अब जो क्वेश्चन रहेगा इसी का चौथा और पांचवा, ये सब से एकदम हट के है, गुणनखंड निकालना द्विघात बहुपद का, त्रिघात का भी गुणनखंड निकालना, तो सीखेंगे उसको, अभी तक जितना चीज पढ़े वो सब यूज होगा उसमें पांचवा नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से सीखेंगे, थोड़ा दिमाग खाली कर लीजिएगा, इस सबको बना लीजिएगा है ना, तब बढ़िया से घुसेगा, दिमाग वो भरल रहेगा तो नहीं घुसेगा, दिमाग खाली करके आइए नेक्स्ट वीडियो देखने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो समझ में आया लाइक समय लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से लोगों तक वीडियो को शेयर करके लोग जोड़ने का प्रयास करें, ताकि सभी बिना किसी कोचिंग बिना किसी प्रकार के पैसा बर्बादी इधर उधर करके अपने घर में रह करके पढ़ाई को पूरी कर सकें।